हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम फर्स्ट स्टैंडर्ड का मराठी करेंगे। इस वीडियो में हम इन चार टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आइए बिना देर करें जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग क्लास। तो आइए पेज नंबर 7 विषय चतुर कावड़ा से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये जो टॉपिक दिया गया है चतुर कावड़ा, इसका मतलब क्या है? चतुर यानी इंटेलिजेंट, तो कावड़ा यानी क्रो, कौवा आपने देखा होगा, तो यहाँ पर टॉपिक का नाम है इंटेलिजेंट क्रो यानी बुद्धिमान कौवा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, चित्रे पाहा प्रत्येक चित्रात काय काय दिसते ते सांगा। आपको ये पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और जो जो आपको दिख रहा है वो आपको बताना है। फर्स्ट वाली पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक क्रो है और ये एक बाउल है, या इसको आप मटका भी कह सकते हैं। इस पर यह आकर बैठा और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसको अब पानी पीना होगा। तो पानी जो है बहुत ही नीचे है, तो अब ये सोच रहा है कौवा के पानी को कैसे पिया जाए। यहाँ पर थोड़ी देर वो वेट करता है, इसके बाद वो उड़कर कहीं और चला जाता है। पिक्चर 2 में देखो क्या बताया जा रहा है कि वो क्रो आकर बैठा एक बैल्कनी पर और वहाँ पर एक बॉय नारियल पानी पी रहा था, कोकोनट वाटर पी रहा था स्ट्रॉ की मदद से। ये जो स्ट्रॉ दिख रहा है, ऐसा स्ट्रॉ यहाँ पर भी रखा हुआ था। तो अब ये देखकर कौवे ने सोचा कि हाँ, मैं भी तो ऐसे पानी पी सकता हूँ। तो यहाँ पर क्रो के माइंड में एक आइडिया आता है और इसका बल्ब जलता है। ये देखकर कौवा क्या करता है, सोचता है कि मैं भी इसी तरीके से पानी पीऊँगा। और पिक्चर 3 में देखो क्या दिखाया जा रहा है, जो स्ट्रॉ वहाँ पर रखा हुआ था वो स्ट्रॉ को लेकर वो उड़ जाता है। पिक्चर 4 में आपको क्या दिखाया जा रहा है, देखो क्रो आया, उसी स्ट्रॉ की मदद से वो उस मटके में से पानी पीने लगा। तो बच्चों, यहाँ पर इस स्टोरी से आपको भी कुछ सीखने मिला होगा। चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, अगर ठीक लगे तो आप उसको अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्रो आया, बैठा, उसको पानी पीना था, लेकिन उसके पास प्रॉब्लम थी कि वो पानी जो है उसकी रेंज से बहुत दूर था, वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता था। तो वहाँ पर वो थोड़ा सोचता है और वहाँ से उड़कर वो थोड़ी दूर चला जाता है। उस सिचुएशन को सॉल्व करने के बारे में सोचा, वो नारियल पानी पीता हुआ देखने के बाद उसको भी समझ आता है कि हाँ, मैं भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर हम इससे ये सीख सकते हैं कि जब कभी भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ आपको चाहिए और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो आपको पेशेंसली सबसे पहले उसको सॉल्व करने के बारे में सोचना है। आसपास अपने देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, लोगों को देखिए कि वो उस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और उसी टेक्निक से आप भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल जाएगा और इजीली आप उसको टैकल भी कर लोगे। यही यहाँ पर आपको भी समझना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये पेज नंबर 7 कंप्लीट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पेज नंबर 7 पर ही क्या कहा जा रहा है। गोष्ट एका गोष्ट सांगा, चित्रे ओळखा नावे पाहा नावे दाखवा सांगा। तो यहाँ पर जो भी आपको पिक्चर्स दिख रही है उनके नेम्स दिए गए हैं, देखना है और आपको समझना है। सबसे फर्स्ट आपको दिया है कावड़ा, कावड़ा यानी क्रो होता है, कौवा जिसे कहा जाता है। सेकंड दिया है नड़ी, नड़ी यानी स्ट्रॉ होता है। अब थर्ड वाले में देखो आपको दिया है माठ, माठ किसे कहते हैं, ये जो बाउल आपको दिख रहा है, मटका जिसको कहते हैं, या वेसल आप कह सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर आपको दी गई है शहाड़े, शहाड़े यानी कोकोनट, नारियल जिसे कहा जाता है। और लास्ट में आपको दिया है मुलगा, मुलगा यानी बॉय होता है। तो यहाँ पर आपका टॉपिक चतुर कावड़ा कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपको पेज नंबर 8 पर दिया गया है, और इसमें आपको कहा जा रहा है जोड़ीदार शोधा, जोड़ीदार यानी पार्टनर, शोधा यानी सर्च करना। तो जिसका जो जोड़ीदार है, पार्टनर है, उसको आपको सर्च करना है और उसके साथ आपको मैच करना है। मैच द पेयर आपने किया होगा, ऐसे ही इसमें भी करना है। कहा जा रहा है चित्रे पाहा, चित्र शब्द जोड़िया रेघे ने डाकवा। सबसे पहले आपको दिया गया है ताट, जिस प्लेट में आप खाना खाते हो तो उसे ताट कहते हैं। उसमें क्या क्या होता है, रोटी, सब्जी, दाल, राइस वगैरह, ये सब होता है, उसे ताट कहते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला हमारे लिए उन्होंने मैच करके दिया है, सेकंड वाले से हमें करना है। नेक्स्ट क्या दिया, देखो बॉल दिया है, बॉल यहाँ पर कहाँ लिखा है, ये देखो सेकंड वाला बॉल दिया है, तो इसको आप मैच करेंगे इस तरीके से। दिया है कंघवा, कंघवा क्या होता है बच्चों, जो कोम जिससे आप बाल बनाते हो, वो कहाँ दिया है, देखो कंघवा यहाँ है, तो उसको आप मैच करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट दिया है ब्रश, ब्रश यानी आप सभी को पता है सुबह सुबह आप करते हो ना, और नाइट में सोने से पहले भी करते होंगे, तो ये ब्रश आप इस तरीके से यहाँ पर मैच कर लो। नेक्स्ट आपको दिया है वही, वही किसे कहते हैं बच्चों, बुक आपने पढ़ी होगी, जो आपके पास होती है बुक्स, उसे वही कहते हैं, तो इसको आप मैच करेंगे इससे। नेक्स्ट आपको दिया है डोड़े, डोड़े यानी आइस, तो वो देखो यहाँ पर आपको दिया है लास्ट में, तो ऐसे आप मैच कर लो इसको। अब आइए
इस वाली लाइन को करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है आरसा। आरसा यानी क्या होता है बच्चों? मिरर, जिसमें आप अपना फेस देखते हो, तो वो यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको इससे मैच कर लो। नेक्स्ट आपको दिया है बैट। बैट आप सभी को पता होगी, आप क्रिकेट वगैरह खेलते ही होंगे, तो बैट कहाँ दिए देखो, यहाँ पर दिया है, तो उसको मैच कर लो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है वाटी। वाटी आप सभी को पता है, जिसमें आप राइस लेते होंगे, दाल लेते होंगे, जो आपके घरों में होगी, तो वाटी देखो कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर है, तो इसको मैच कर लो इस तरीके से। नेक्स्ट आपको दिया है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट अगेन ब्रश में हम लगाकर उसको ब्रश करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिया गया है टूथपेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है पेंसिल। पेंसिल आप सभी लिखते हो पेंसिल से ना, तो यहाँ पर पेंसिल दी गई है, देखना है और सीधा सीधा मैच करना है। नेक्स्ट आपको दिया है चश्मा। चश्मा सभी को पता है, तो यहाँ पर दिया गया है, उसको आप इससे मैच कर लो। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट, जोड़ीदार शोधा। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आपको दिया गया है पेज नंबर 9 पर। इस टॉपिक का नाम है माझा हाथ। माझा हाथ का मतलब क्या बच्चों? माझा यानी मेरा, हाथ यानी हैंड। आप अपने हाथ से क्या क्या काम करते हो आपको पता है? आइए देखते हैं इस ब्यूटीफुल पोयम में क्या कहा जा रहा है। देखो, गाने एका मणा, ये सॉन्ग आपको सुनना है और उसके बाद आपको ये रिपीट भी करना है। तो आइए मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे। माझा हाथ दांत घासायला माझा हाथ माझा हाथ खाऊ खायला माझा हाथ माझा हाथ दार उघडायला माझा हाथ माझा हाथ कचरा काढायला माझा हाथ माझा हाथ काम करायला माझा हाथ माझा हाथ मदद करायला माझा हाथ। तो बच्चों यहाँ पर ये ब्यूटीफुल पोयम हमने रीड करी, आपने भी मेरे साथ रीड करी होगी। आइए आप इसका मतलब समझते हैं, क्या कह रहे हैं। देखो बच्चे, माझा हाथ यानी मेरा हाथ माय हैंड दांत घासायला माझा हाथ। आप टूथपेस्ट करते हैं, जैसे कि देखो ये गर्ल कर रही है, ब्रश कर रही है, तो दांत साफ करने को दांत घासायला कहते हैं। तो ये गर्ल ने कहा कि मैं अपने हाथ से अपने टीथ को साफ करती हूँ। तो नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं माझा हाथ खाऊ खायला माझा हाथ। अब देखो ये बॉय जो है कह रहा है कि मेरा हाथ जो है खाऊ खायला माझा हाथ। खाना खाने के लिए हम हाथ को यूज़ करते हैं ना बच्चों, तो वही ये बॉय कह रहा है कि मेरा हाथ खाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट में देखो क्या कह रहे हैं, माझा हाथ दार उघड़ायला माझा हाथ। दार क्या होता है बच्चों? दार यानी ये डोर। देखो ये गर्ल डोर को ओपन कर रही है ना, तो किससे कर रही है? हैंड से कर रही है। तो ये डोर को ओपन करने के लिए हैंड का यूज़ हो रहा है, तो वही ये कह रही है कि ये दरवाज़ा ओपन करने के लिए मेरा हाथ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है माझा हाथ कचरा काढायला माझा हाथ। देखो ये बॉय क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, सफाई कर रहा है, कचरा उघड़ायला कचरा उठा रहा है, उसको कह रहा है कि वो कचरा उठा रहा है मेरा हाथ। कचरा या कुछ और ऐसी गंदी चीज़ देखते हो आप, अगर साफ कर सकते हो तो उसको क्लीन कर दीजिए, नहीं कर सकते हो तो किसी बड़े को आप हाईलाइट करा दीजिए कि ये यहाँ पर गंदा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, माझा हाथ काम करायला माझा हाथ। तो आप अपने हाथ से क्या क्या करते हो, काम करते हो ना, तो वही ये कह रहे हैं कि काम करने के लिए भी मेरा हाथ यूज़ होता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, माझा हाथ मदद करायला माझा हाथ। यहाँ पर देखो ये गर्ल क्या कर रही है, ये ओल्ड मैन को, बुजुर्ग को पानी पिला रही है, तो ये पानी पिलाना मदद करने जैसा ही हो गया, तो ये कह रही है कि मेरा हाथ जो है हेल्प करने के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम आपको दी गई है माझा हाथ। आप अपने हाथ से क्या क्या करते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप भी इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। किसी को हेल्प करना है तो आप अपने हाथ से हेल्प कीजिए। कहीं पर अगर कुछ कचरा है, गंदगी है, उसको क्लीन कर सकते हो अगर आप, तो वहाँ पर भी आपको अपने हैंड्स का यूज़ करते हुए उसको क्लीन कीजिए। और ब्रश मॉर्निंग में और नाइट में ब्रश भी आपको करना चाहिए, खाना आपको खाना चाहिए, और अगर कोई आ रहा है जा रहा है तो उसके लिए डोर ओपन और क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक माझा हाथ कंप्लीट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि दिया गया है आपके पेज नंबर 10 पर। टॉपिक है पाहुया सांगुया। पाहुया का मतलब क्या होता है बच्चों? देखना, जो आप देखते हो। सांगुया का मतलब बोलना, तो आपको देखना है और बताना है। चित्रे पाहा कौन काय करते आहे ते सांगा। आपको ये पिक्चर्स देखना है और बताना है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। फर्स्ट देखो ये गर्ल क्या कर रही है, रोज है, उसको स्मेल कर रही है, सूंघ रही है। नेक्स्ट पिक्चर में बताया जा रहा है कि ये गर्ल एक बुक को रीड कर रही है।
नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पर बॉय वॉक कर रहा है। उसके बाद इस वाली पिक्चर में बॉय जो है राइटिंग कर रहा है, लिख रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में गर्ल खाना खा रही है। लास्ट में ये वाली पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि गर्ल फोन पर बात कर रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेज नंबर 10 पर ही एक और चीज़ आपको दी गई है। कह रहे हैं चित्रे पाहा शरीराचे अवयवांची नावे सांगा। तो यहाँ पर आपको बॉडी के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, देखना है बताना है। डोले यानी आइस, नाक यानी नोस, कान यानी ईयर्स, पाए का मतलब लेग होता है, हाथ यानी हैंड्स, तोंड यानी आपका ये जो माउथ है, मुंह है, उसको तोंड कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों ये टॉपिक पाहू या सांगू या कंप्लीट होता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने चार टॉपिक्स को कवर किए। सबसे पहले हमने चतुर कावड़ा देखा जो पेज नंबर 7 पर दिया गया था। इसके बाद टॉपिक नंबर 8 जोड़ीदार शोधा जो कि आपके पेज नंबर 8 पर दिया गया था। उसके बाद टॉपिक 9 माजा हाथ पेज नंबर 9 पर दिया गया था। और लास्ट में टॉपिक नंबर 10 पाहू या सांगू या जो कि पेज नंबर 10 पर दिया गया था। इन चारों टॉपिक्स को हमने बहुत ही डिटेल में समझा, आपको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया, आपको इजीली समझ आ गया होगा। ऐसे ही हिंदी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।